भूतों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। विज्ञान कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो वहीं लोगों की तमाम ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जो आपको भूतों पर यकीन करने पर मजबूर कर देंगी। हम भी इस पर ज्यादा विमर्श की बातें नहीं करते हैं, आपको दुनिया भर के लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ भूतिया महल के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं इन 7 महलों में आत्माओं का वास है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एक नाम भारत के भी महल का है। कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास एक टनल है। बताते हैं कि इस टनल के जरिए किसान आते जाते थे। एक दिन किसी हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई थी। तब से ही यहां कई तरह की घटनाओं की जानकारी सामने आए। अभी भी लोगों का दावा है कि इसे देखकर लगता है कि टनल के बीच में माचिस की तीली जल रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्थित मोंट क्रिस्टो की भूतिया कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस जगह को टीवी शो वगैरह में भी दिखाया जाता है। कहते हैं कि यहां के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और खुद ही बंद भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक कहानी ये भी है कि यहां की राजकुमारी मिसेज क्राली अपने पति की मौत के बाद 23 सालों में सिर्फ 2 ही बार घर से बाहर निकली थी। ये एक होटल है जो कि इंग्लैंड के पोर्टसमाउथ के पास एक अंडरएज पर बना हुआ है। 11 सदी का ये होटल भयानक और खूंखार भूत कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि 11वीं सदी के इस होटल में एक ऐसा दौर था जब बच्चों को पकड़कर जिंदा काट दिया जाता था। लोगों का दावा है कि कभी कभी यहाँ रात में अपने आप जलती हुई आग नजर आती है। हाइगेट सिमेट्री लंदन। वैसे तो कहते हैं कि ये भूत प्रेत का तामझाम सिर्फ अपने भारत में ही होता है, लेकिन लंदन वाले भी इससे अछूते नहीं हैं। लंदन में साल 1893 में एक कब्रिस्तान बनाया गया था। पहले यहाँ छोटी मोटी घटनाओं की जानकारी मिलती थी, लेकिन फिर यहाँ की घटनाएं अखबारों में छपने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कब्रिस्तान के पास एक महिला दिखाई देती है जिसकी दोनों आँखों से खून निकलता है। लोग तो आज भी इसे देखने का दावा करते हैं।